सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरप्रीत सिंह स्वागत करदा तुहाडा पंजाबी खबरां दे इस ताज़ा बुलेटिन दे विच। पंजाब दे हर मुद्दे दे नाल जुड़ी खबर तुहाडे नाल सांझी करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। उस तो पहला गल करदे आं अज दे विचार दी, पाप करन नालों भी माड़ा हुंदा है कीते होए पुन दा हंकार करना। वीडियो दे विच तुहाडे नाल कई मोदी ने कई एक दो ऐलान कीते, नाल नाल भगवंत मान दे वी ऐलान, उहनां दी गल सांझी करदे हां। प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश नाकाम हुई है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट उत्ते है। खबर ताज़ा मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी नूं जानों मारन की धमकी देने का जी मामला सामने आया। खुफिया सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक राष्ट्रीय जांच एजेंसी नूं धमकी भरी ईमेल मिली है। ईमेल करने वाले ने कहा कि वह खुदकुशी कर रहा है तां जो इस साजिश का पर्दाफाश ना हो सके। जानकारी मुताबक पीएम मोदी नूं मारन लई 20 स्लीपर सैल तैयार हैं। उन्होंने कोल कुल 20 किलो आरडीएक्स है। खुफिया सूत्रों अनुसार स्लीपर सैल राही पीएम मोदी को 20 किलो आरडीएक्स नाल मारन की साजिश रची जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियां यह जानकारी इकट्ठी कर रही हैं कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश बारे मिली ईमेल का स्रोत की है। एजेंसियों का कहना है कि अपने नापाक मकसद को पूरा करने लिए अतवादी संगठनों ने 20 स्लीपर सैल बनाए हैं। ईमेल मुताबक हमले की योजना तैयारी कर ली गई है। मेल में यह भी कहा गया कि मेल लिखने वाले व्यक्ति के कई अतवादियों नाल भी संबंध है। राष्ट्रीय जांच एजेंसियां ने खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को धमकी भरे ईमेल भेजे हैं। जिस मेल आईडी तो मेल आया उसकी डूंघाई नाल जांच की जा रही है। यह मेल राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की मुंबई शाखा में आया है। लगातार जिहड़ा खतरा पीएम मोदी से जारी है, खुफिया एजेंसियां भी इस लगियां हुई हैं। पंजाब च बनिया मस्जिदा केरल के एनजीओ ने कश्मीर राही दिता है फंड, तो नाल ही खुफिया एजेंसियों तो अलर्ट जारी होया है। पंजाब के फरीदकोट जिले च 3 मस्जिदों के निर्माण लिए फंड देने लिए केरला आधारित एनजीओ रिलीफ एंड चैरिटेबल फाउंडेशन ऑफ इंडिया सुरक्षा एजेंसियों के शक के घेरे च है। विदेशों में व्यक्तियों या संस्थावों तो प्राप्त फंडा RCFI द्वारा कश्मीर के बारामूला के दूर निवासियों राही डाइवर्ट किया गया। इन्हां व्यक्तियों ने कथित तौर पर मस्जिदों के निर्माण की निगरानी की, बिलों का भुगतान किया। 2015 तो 2017 दरमियान बनिया मस्जिदा पाकिस्तान सरहद तो सिर्फ 40 से 70 किलोमीटर की सीमा के अंदर हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि RCFI ने मस्जिदा बनाने लिए 70 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय फंडा की वरतों की है। पता लगे कि MHA ने अगस्त 2021 इस NGO की फंडिंग रोक दी सी। इस मामले उत्ते पंजाब पुलिस अते होर सुरक्षा एजेंसियां ने चेतावनी भी दी सी। पंजाब के सरहदी जिलों फिरोजपुर, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर अते पठानकोट में 200 तो वध मस्जिदां हन। कहा जाता है कि इन्हां विचों कई हाल ही विच बनाए गए हैं। सरहद के नेड़े उन्हां दा टिकाणा भी जांच का विशा बनिया होया है। लगातार अलर्ट जिहड़ा है इन्हां नूं लैके जारी किया गया। पंजाब पुलिस की अपने अधिकारियों ते मुलाजमान नूं निजी वाहनों संबंधी चेतावनी दिती है। पंजाब च नवी बनी आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार नवे फैसले कर रही है। इस दौरान पंजाब पुलिस के ADGP का एक पत्र सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है, जिस विच पंजाब च VIP कल्चर नूं खत्म करने लिए पंजाब पुलिस ने अपने अधिकारियों ते मुलाजमान नूं चेतावनी दिती है। उन्होंने अपने बच्चों के निजी वाहनों के तुरंत सायरन हूटर उतारने लिए कहा गया है। उन्हें चेतावनी दी है कि जेकर किसी के बच्चों की कार उत्ते सायरन हूटर लग्या पाया गया तो उस खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ADGP ट्रैफिक ने यह हुक्म सारे पुलिस कमिश्नर ते SSPs भेज दिए है, तो उन्होंने जोड़ा है अगे तो चेतावनी दे दी है। पंजाब के सरकारी स्कूलों के समय के तब्दीली हुई है। तुहानू दस दिए कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के समय के जो तब्दीली हुई है, समा सवेरे 8 बजे तो दोपहर 2 बजे तक हो गया। स्कूलों के समय में तब्दीली गर्मी को देखते की गई है। जिक्रयोग है कि पहले वाले समय अनुसार स्कूल का समा 8 बजे तो लैके दोपहर 2:50 तक होंदा सी, पर हुण सरकारी स्कूलों का समा 8 बजे तो लैके 2 बजे तक कर दिता गया। 50 मिनट वाली जिहड़े स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब च पावरकॉम वालों किसानों लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पावरकॉम ने एक एडवाइजरी जारी की है। पंजाब विच कणक नूं अग तों बचाउण लई पावरकॉम ने किसानों लिए एडवाइजरी यह जारी की है, जिस विच कहा गया है कि उत्थे किसी भी मजदूर नूं बीड़ी सिगरट ना पीण दित्ती जाए। इस दे नाल ही बिजली दीआं तारां नूं बांस जां सूटी नाल ना छूहो। पावरकॉम ने अग लगन जां नुकसान देर जां बिजली लाइनां दी स्थिति विच किसानों लिए कुछ हैल्पलाइन नंबर भी जारी किए। दस दिए कि पंजाब विच
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਜਾਂ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਚਲਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਵਾਢੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਢੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਹਨ 96-461-0-68-35, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 96-461-0-68-36, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ, ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ PSPCL ਦਾ ARR ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਹੈ 36,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ PSTCL ਦਾ 1,1492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ARR ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਜੇ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 2015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 2300 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 12.60% ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮਾਂਤਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਨੇ 25.50% ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ 24% ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਝਾਂਝਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 40% ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ 2 ਟੁੱਕ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
इस तरह की जी खबर सदन तो आ रही है। पंजाब दे राणा गुरजीत सिंह दे मुंडे नूं पंजाब विधानसभा तो बाहर कढ़िया गया। केंद्र की फटकार तो बाद समार्ट मीटर लगाउण दे विच तेजी की गई है। खबर यह भी मिल रही है पंजाब विच समार्ट मीटर लगाउण दीआं तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पावरकॉम ने भी थ्री फेज़ के 96,000 मीटर खरीद लिए है। आने वाले दिनों में सिंगल फेज मीटर भी खरीदे जाएंगे। इस सब के विचकार लोगों में चर्चा है कि जो समार्ट मीटर लगाया गया तो उसनू रीचार्ज करना होगा तद ही बिजली मिलेगी। उन्ना टाइम मीटर के बिजली अगे घर के नहीं पहुँचेगी। अजिहे आम आदमी पार्टी वालों चोणों मौके जनता को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त जी मुफ्त बिजली देने के किए वादे का की होगा इस बारे हले तक कुछ भी जरा सामने नहीं आया। पंजाब में हर साल 1200 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होंगी है। खबर यह भी है जिसनों रोकने लिए केंद्र सरकार ने पंजाब में समार्ट मीटर लगाने लिए कहा है। चंडीगढ़ तुरंत पंजाब हवाले किया जाए मता पास है। भगवंत मान ने कर दिता है वधिया डिसीजन लिया गया तो वड्डी मंग है। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों पेश मते नूं कांग्रेस अकाली दल ते बसपा ने भी समर्थन दिता है। दूजे पासे भाजपा ने इसका विरोध करदिया मान सरकार की नीयत ते सवाल खड़े किए हैं पर बाकी पार्टियां ने इस गल का समर्थन किया। पंजाब 20,000 नौजवानों नूं मिलेगा रुजगार। भर्ती के लिए इश्तहार इस दिन जारी हो सकते हैं। पंजाब दे विच भर्ती प्रक्रिया नूं हरी झंडी दे दित्ती गई है। इस दे तहत सरकार वालों 20,000 नवीं भर्तियां कढ़ियां जाणगियां जिसका जल्द इश्तहार भी कढ़िया जाएगा। पंजाब सरकार वालों सत्ता च आउंदे ही नौजवानों नूं रुजगार देने का ऐलान किया गया जिस नूं लैके पंजाब सरकार वालों पूरी तरह तैयारियां कीतियां जा चुकियां। 20,109 असामियां कढ़ियां गईयां ते 10 अप्रैल तो पहलां जिहड़ा इश्तहार जारी किया जाएगा जिस दे विच जिहड़ा तुसीं अपलाई कर सकोगे। इस तों इलावा 5,245 असामियां विचों किहड़े किहड़े विभागां विच किन्नियां असामियां भरियां जाणगियां इस बारे सीएम आउंदे जिहड़ा शनिवार नूं मीटिंग सद ली गई है तो उसके बारे भी आने दिनों के फैसला किया जा सकता है। तो 31 मार्च में 5,200 मुलाजम सेवा मुक्त हुए है पंजाब दे विच। पशु पालन के 250 असामिया, सहकारी 777, आबकारी 176, भोजन सप्लाई 197, सेहत के 4,837, उच्च सिक्ख्या 997, हाउसिंग 280, मेडिकल सिक्ख्या 319, पावर 1690, स्कूल सिक्ख्या 7,994, तकनीकी सिक्ख्या समाजिक सुरक्षा अलग अलग विभागों के जल स्रोत के वैकेंसियां कढ़िया गई अलग अलग जिहड़ियां पंजाब दे विच वैकेंसियां कढ़िया गई। जमीन वेच के पत्नी नूं भेजे इंग्लैंड, लखां रुपए मंगाउण मगरों तोड़े सारे रिश्ते, सदमे नाल पति की मौत। इस तरह की खबर पंजाब दे अमृतसर दे अमृतसर जिले के तरन तारण के भिखी पिंड सांधरा विच एक नौजवान अपनी पत्नी कारण डिप्रैशन दे विच चला गया तो उसकी मौत हो गई। उसका परिवार पुत्र की मौत लई पत्नी खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। दरअसल पत्नी ने विदेश जाण लई कमल का सहारा लिया तो विदेश जाते ही सारे रिश्ते खत्म कर दिते, सारा खर्चा जिहड़ा इन्हां दा करवा लिया गया। मृतक की माँ कुलविंदर कौर ने दस्सिया कि उसके बेटे कमल सिंह का विआह 2021 सबरा वासी लवप्रीत कौर नाल होया सी। विआह तो पहला लवप्रीत देश तो बाहर जाना चाहती सी। कुलविंदर सिंह ने अपनी 4 एकड़ जमीन वेच के लवप्रीत नूं इंग्लैंड भेज दिता। इंग्लैंड पहुँचते ही लवप्रीत ने उस तो 6 लाख रुपए की मांग की। कमल ने बिना सोचे समझे पैसे भेज दिते पर इस तों बाद लवप्रीत ने कमल का फोन चुकना भी बंद कर दिता। इस बारे कमल के जीजा पंतप्रीत सिंह ने दस्सिया कि परिवार ने कुड़ी के रिश्तेदारां नाल भी गल की पर कुड़ी नहीं मनी। इस तों बाद कमल ने पुलिस को शिकायत भी की पर पुलिस ने मामला दर्ज करने की बजाय टाल मटोल किया जिस तों बाद कमल डिप्रैशन के चला गया। हस्पताल के उसकी मौत हो गई है तो जिहड़ा इस तरह की जिहड़ी खबर खास तौर पर तरन तारण तो आ रही है। लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, यह भी खबर मिल रही है। पर खबर के मुताबिक जेकर तुहानूं जानकारी दिती जाए 1 अप्रैल 2022 तो नवा वित्तीय साल शुरू हो गया। नवे वित्तीय साल की शुरुआत नाल ही कई चीज़ां बदल जांदियां, कई नवीं चीज़ां लागू होंदियां। अजिहे च जेकर तुहाडे कोल बैंक नाल जुड़िया कोई काम है तो तुहानूं जल्दी तो जल्दी निपटाउणा चाहीदा सी। पर हुण पहले महीने च 30 दिनों चो 15 दिन बैंक बंद रहणगे पर बैंक जिहड़े अलग अलग स्टेटां दे विच अलग अलग दिन बंद रहणगे। अजिहे दे विच की हुंदा है कि कई थावां ते खबरां वायरल हुंदियां कि बैंक 5 दिन या 10 दिन बंद रहणगे। इसलिए तुहाडे लई असीं जानकारी लैके आए हैं कि फेक खबरां दे विच ना फसो क्योंकि जिहड़े अलग अलग स्टेटां दे विच जिहड़े अलग अलग दिन बैंक बंद हुंदे है ते शनिवार ऐतवार वगैरह भी विच इनकलूड जिहड़े है जोड़ के तुहानूं खबर दिखाई जांदी है।
पर पंजाब की गल करिए पंजाब दे विच कोई भी जिहड़ी है छुट्टी अगे नहीं आ रही है। 1 अप्रैल नूं जरूर पंजाब दे विच बैंक बंद रहे है, वह भी जिहड़े क्लोजिंग करके बंद रहे। हुण पंजाब दे विच लगातार बैंक जिहड़ियां खुल्लियां रहणगियां। श्री हरिमंदर साहिब आए शरधालुओं की कार से हमला होया, कैश लुट्टिया गया। हरियाणा तो शरधालु आए सन। अमृतसर के एलीवेटड रोड जो कि बाईपास तो शहर के शहर में जोड़न वाला पुल है, उतों हिसार तो आए दो नौजवान अपनी स्विफ्ट गड्डी श्री हरिमंदर साहब मत्था टेक के जा रहे थे, तो पिछों कुछ लुटेरिया का गिरोह जिन्हों में एक स्पलेंडर मोटरसाइकिल से सवार दो नौजवान दसे जा रहे सन, जिन्हों ने गड्डी के अगे आ के हरियाणा नंबर वाली गड्डी रोक के अते पिछों आ रही वरना कार दे विचों 8 तो 10 अणपछाते नौजवान निकले, जिन्हां ने उन्हां नूं आउंदिया ही कुटना शुरू कर दिता ते उन्हां कोलों कैश लै के उत्थों फरार हो गए। हालांकि उन्हां ने मोबाइल खोहण दी भी कोशिश की पर नौजवान जिहड़े मोबाइल देण तों बच गए। तो लुटेरे नौजवानों वालों हरियाणा की गड्डी के विंडशील्ड भी तोड़ दी गई। हालांकि उन्हां विचों दस्सिया जा रहा कि एक नौजवान ने लुटेरियां दा पिछा करन दी भी कोशिश की पर लुटेरे उत्थों फरार हो चुके सन। इस बाबत पुलिस वालों फिलहाल होर जानकारी ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਕੀਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ, ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਇਰਨ ਹੂਟਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।